नवीन जयहिंद ने चुनाव प्रचार के दौरान हथीन विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर चुनाव अभियान के तहत लोगों को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस पार्टी आपस में मिली हुई है, दोनों पार्टियों ने लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने भाजपा व कांग्रेस पार्टी का खूंटा उखाड़ने का मन बना लिया है। नवीन जयहिंद ने कहा कि भाजपा सरकार में देश व प्रदेश में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। भाजपा नेताओं ने विकास की बजाय अपनी जेबों को भरने का कार्य किया है। यही कारण है कि भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर को लोकसभा क्षेत्र के गांवों में जगह जगह विरोध हो रहा है। लोगों ने छोटे चौकीदार कृष्ण पाल गुर्जर को हरा दिया है। बड़े चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पर सरकार ने गरीब लोगों के हित में कार्य किए हैं। गरीब लोगों के लिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं की जरूरत होती है। भाजपा सरकार ने 5 सालों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। फरीदाबाद क्षेत्र की जनता अगर विकास करवाना चाहती है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे। आम आदमी पार्टी भाजपा व कांग्रेस का खूंटा उखाड़ सकती है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर अभियान में लोगों का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। बहुत बड़े असर रहा, अथी नक्षत्र के लोगों में बहुत उत्साह है और बीजेपी का खूंटा पाड़ेंगे भाई साहब निश्चित रूप से। और लोगों का जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं करवा रखा। हम तो लोगों को यही कह रहे हैं भाई, हमने काम करवा रखा है दिल्ली में। गठबंधन है और जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, जो एक आम आदमी और गरीब आदमी को जरूरत होती है, अगर काम करवाने हैं तो बीजेपी तो है नहीं लायक इसके। काम करवाने हैं तो आप और जेजेपी को वोट दो, और अगर कांड करवाने हैं तो बेशक बीजेपी को वोट दे दो। तो भाई साहब हमने तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये जो चौकीदार हैं, इन चौकीदारों का खूंटा पाड़ना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये चुनाव के बाद ठेकेदार बन जाएंगे। तो मुख्य रूप से तो यही है, लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। जैसी बात कर, अरे भाई साहब चौकीदार डर के वापस घर में घुस गया है। लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं विरोध कर रहे हैं। अब लोग जहाँ पे भी जाएंगे वहीं पे मतलब जूते लेके खड़े हैं, तो कैसे होगा ये विरोध? तो हो रहा है विरोध, हो रहा है। काम नहीं करवाया, मराई खाई है जनता के लिए, कुछ किया नहीं, पैसा इकट्ठा किया है। तो जो पैसा इकट्ठा, आप इसीलिए कह रहे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं है अपने नाम पे वोट मांगने की। वो तो हार चुके हैं भाई साहब, चौकीदार हार चुका फरीदाबाद का। अब बड़े चौकीदार को सामने लेके आया है, बड़े चौकीदार को भी हराएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर।